नमस्कार। आज की टॉपिक है थारू जनजाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तराखंड में नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में कहा जाता है कि ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों द्वारा अनेक संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। कुछ विद्वानों के विचार से थार का अर्थ है मदिरा और थारू का अर्थ है मदिरा पान करने वाले। चूँकि ये शराब का सेवन पानी की तरह करते हैं इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि थारू जाति के लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं इसलिए यह थारू कहलाते हैं। इनका शारीरिक गठन, कद में ये छोटे होते हैं। इनकी मुखाकृति चौड़ी और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियों में कहीं अधिक आकर्षण और सुंदरता पाई जाती है। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण अत्यधिक प्रिय हैं और शरीर पर टैटू बनवाना भी इन्हें अच्छा लगता है। थारू जाति के लोग अपना घर मिट्टी और ईंटों का नहीं बनाते हैं। इनके मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं और इनके द्वार पूर्व की ओर होते हैं। इनके मकान में कई कमरे होते हैं। घर में यह एक पूजा घर भी बना करके रखते हैं। यह मुख्य रूप से चावल, मछली, दाल, गाय भैंस का दूध, दही तथा जंगल से शिकार करके लाए गए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। सुअर और मुर्गी पालन इनका प्रमुख बिजनेस है और उनका मांस व अंडे भी प्रयोग में ये लाते हैं। इनके भोजन का समय निर्धारित होता है। समयानुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सुबह के नाश्ते को क्लेवा कहा जाता है, मिजनी दोपहर के भोजन को कहा जाता है और बेरी शाम का भोजन कहा जाता है। थारू लोग मांस और मदिरा का अधिक प्रयोग करते हैं। महिला मदिरा थारुओं का मुख्य पेय है जिसे वे सभी शुभ अवसरों पर अवश्य पान करते हैं। ये चावल के द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा को खुद से बनाते हैं। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। नेपाल की तराई में अनेक ऐसे थारू मिलते हैं जिनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या 500 तक होती है। परिवार का वृद्ध व्यक्ति ही संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है और अन्य सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंप देता है। फिर वही व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यों में एक पखवाड़े के उपरांत परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कार्यों में के प्रति समरसता बनी रहे। थारू जनजाति में संयुक्त पारिवारिक जीवन की प्रथा है। यहाँ भाई बहन, माँ बेटी, सास बहू, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ननद भावच और देवर भौजाई के उभय पक्षीय अर्थात कटु तथा मधुर संबंधों का आकर्षक रूप आप देख सकते हैं। थारुओं की विवाह प्रथा की बात करें तो इनकी विवाह प्रथा अत्यंत अचरज भरी है। इनमें वर पक्ष की ओर से किसी मध्यस्थ द्वारा विवाह की बातचीत चलाई जाती है। अधिकांशतः इन लोगों में विवाह फाल्गुन माह से शुक्ल पक्ष में होते हैं, किंतु कुछ लोगों के विवाह वैशाख में शुक्ल पक्ष में भी होते हैं। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब कम होती जा रही है। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। इस समय दोनों पक्षों में एक समझौता हो जाता है जिसके अंतर्गत वर पक्ष के लोगों को एक निश्चित मात्रा में चावल, दाल आदि वधु पक्ष को उस समय तक देना पड़ता है जब तक दोनों का विवाह नहीं हो जाता है। थारू लोग अपनी बारातें गांव के बाहर चप्पेदार खेतों में ठहराते हैं। द्वारचार के समय लड़के और लड़की के पिता को एक अंगोछे से बांध दिया जाता है, फिर 20 तक गिनती पढ़कर छोड़ दिया जाता है। थारुओं में विवाह प्रथा यानी विधवा विवाह प्रथा भी पाई जाती है। अगर कोई विवाहित लड़की जिसका गोना ना आया हो अथवा उसका पति मर जाए
तो उसका पिता उसे किसी और के घर भेज देगा और बिरादरी को एक भोजन देगा। इस प्रकार के विवाह भोज को लठ भरुआ भोज कहते हैं। अगर किसी विवाहित स्त्री का पति जिसका गौना हो चुका है मर जाता है तो उस लड़की के ससुराल वाले किसी युवक को खोज करके लाते हैं और घर के बाहर लड़के और लड़की लड़के को लड़की की पोशाक पहना देते हैं। तदुपरांत लड़की आगे आगे लड़का पीछे पीछे अपने मकान में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों का विवाह हो जाता है और वह वैवाहिक जीवन यापन करने लग जाते हैं। थारू लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं, लेकिन काली को ये अधिक मानते हैं। भैरव और महादेव को भी ये मानते हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर के बांस का होता है। ये राम और कृष्ण की पूजा भी करते हैं। थारुओं के अनेक छोटे छोटे देवी देवता भी होते हैं। ये पीपल की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा गाय, बंदर और सांप की भी पूजा ये लोग करते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति, होली, कन्हैया अष्टमी, जन्माष्टमी, दशहरा और बजहर थारुओं के मुख्य त्यौहार हैं। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही दारू पी करके गाते हैं, यानी थारू पी करके गाते हैं तथा साथ साथ नशे में मस्त होकर के नृत्य करते हैं। होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर रंग अबीर का खुलकर प्रयोग होता है। बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ अथवा वैसाख के दिनों में होता है। उस दिन गांव की समस्त स्त्रियां गांव छोड़कर खाना बनाने के आवश्यक सामान के साथ निकट के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहां पीपल और बरगद का पेड़ होता है। वहां वो सब मिलकर के खाना बनाती हैं। इसके बाद भोजन करके पूजा पाठ और नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता है। पुरुष भी वहीं पर भोजन आदि करते हैं, लेकिन रात्रि में वहां उनका रहना वर्जित होता है, जबकि स्त्रियां रात में वहीं रहती हैं। मकर संक्रांति और दशहरा का पर्व थारू लोग बड़े उल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति को प्रातः जल्दी सोकर के उठते हैं तथा नदी या तालाब में स्नान करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दान पुण्य आदि भी किया जाता है। इस दिन थारू लोग खिचड़ी खाते हैं और श्राप का सेवन भी करते हैं। रात्रि में फिर वही नृत्य करते हैं। दशहरा का पर्व कुछ क्षेत्रों में कवार माह में मनाया जाता है। दूज के दिन ये लोग मकई और जौ मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में बोकर रख देते हैं। जब वह उग आता है तब अष्टमी के दिन देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। नवमी के दिन जानवरों को खिलाया जाता है। फिर इन जानवरों की बलि दे दी जाती है। बलि का गोश्त थारू लोग अपने सभी रिश्तेदारों में बांटते हैं और मिलजुल कर शराब पीते हैं, गाना गाते हैं। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दाल, तिल, गेहूं की भी कृषि करते हैं। प्रत्येक थारू परिवार सब्जियां स्वयं ही उगाता है, जिसमें सेम, बैंगन, आलू, भिंडी, अरबी गोभी, मूली, शलजम, टमाटर, लहसुन आदि मुख्य हैं। इनके अन्य व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी ढोना, लकड़ी की कटाई करना, शिकार, वन्य भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल आदि एकत्रित करना और कुटीर उद्योग हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।